तो कहाँ तक किया था हमने लास्ट क्लास यही था क्या लास्ट सो वी डिड सी डी एफ एंड सी डी एफ से कैसे निकालते हैं प्रबाबिलिटीज़ ये हमने कर लिया है ओके लेट्स डू नेक्स्ट थिंग ओके okay. अब हम लोग हम लोगों ने ऑलरेडी मीन मीडियन मोड सीखा है राइट right? तो हम लोग अब देखेंगे कि हाउ यूजिंग अ पी पी एफ विच इज़ प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड यूजिंग सी डी एफ हाउ टू फाइंड मीन मीडियन एंड मोड स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिजेशन एवरीथिंग ठीक है सो वील टेक अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल सो इफ यू ऑल रिमेंबर हमने ऑलरेडी एक्स एफ एक्स क्या था फ्रीक्वेंसी था एफ एक्स को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या फिर लेट मी जस्ट नॉट राइट इट दिस वे मैं खाली एक बार एफ़ लिखती हूँ तो एफ हमारा फ्रीक्वेंसी था तो अगर मैं बोलूँ कि एक्स के चार वैल्यूज़ पॉसिबल हैं एंड दिस इज तो क्या आप लोग मीन निकाल सकते हो मीन कैसे निकालेंगे क्विकली बोलना ऐसे ऑल एक्स मतलब बेसिकली आप क्या करोगे इज दिस मीन डिवाइडेड बाय एन विच इज टोटल समेशन ऑफ एफ एक्स तो आप ये लिख सकते हो या फिर समेशन ऑफ एफ लिख सकते हो यस yes. तो बेसिकली व्हाट आर वी सिंग जीरो इंटू थ्री प्लस वन इंटू फाइव ऑन नाउ ये नहीं दिया हुआ इसके बदले लेट्स सपोज आप लोगों को प्रोबेबिलिटीज दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स कैन यू टेक आउट प्रोबेबिलिटी यूजिंग दिस हम बोल रहे हैं कितना ये है? टोटल कितना आ रहा है टोटल इवेंट्स कितने आ रहे हैं ट्वेंटी फाइव आ रहा है सो ट्वेंटी थ्री टाइम्स वी गॉट ए जीरो तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया थ्री बाय फाइव बाई ट्वेंटी फाइव एंड सोन है ना अब देखो ये जो मीन है क्या इस मीन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं सो विन आई एम से थ्री बाय ट्वेंटी फाइव या फिर प्लस वन इंटू फाइव लास्ट वाला थ्री इंटू सिक्स ये कर रहे हैं डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव ना देखना जीरो इंटू थ्री बाई ट्वेंटी फाइव प्लस वन इंटू फाइव बाई ट्वेंटी फाइव प्लस डोट डो डोट थ्री इन सिक्स बाई ट्वेंटी फाइव तो ये जो थ्री बाई ट्वेंटी फाइव फाइव बाई ट्वेंटी फाइव सिक्स बाई ट्वेंटी फाइव ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है ना यस और नो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है ये प्रोबेबिलिटी है तो अगर हम ब्रेक डाउन करें अपने फॉर्मूला को ये वाला जो फॉर्मूला है कैन वी ऑल्सो से दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ एक्स एक्स का वैल्यूज जीरो वन टू थ्री एंड उसका प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन यस और नो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन सिंपल, वेरी सिंपल, येस क्लियर अंडरस्टूड तो हम लोग क्या बोलते हैं आप लोग सुनोगे स्टेटमेंट काफी ज्यादा हम लोग बोलते हैं जब आपको किसी भी चीज का मीन ऑफ समथिंग किसी भी चीज का जब आपको मीन निकालना होता है तो हम बोलते हैं वी ऑलवेज टेक अ समेशन ऑफ समथिंग मल्टीप्लाइड बाय उसका प्रोबेबिलिटी नॉट दिस समथिंग कैन बी एनीथिंग हम लोग अभी एग्जाम्पल्स लेंगे दिस समथिंग कैन बी एनी थिंग उसका प्रोबेबिलिटी के साथ खाली उसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई वी जस्ट ऐड टू गेट द मीन विच इज एक्सपेक्टेशन अंडरस्टूड क्लियर देख लो इसको कॉपी करो नाउ जब आप थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटीज़ या थियोरेटिकल वैल्यूज़ यूज़ करते हो तो उसको हम लोग जो मीन निकलता है द वर्ड दैट वी यूज़ फॉर दैट इज़ एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन तो एक्सपेक्टेशन इज यूज इन प्लेस ऑफ मीन व्हेन व्हेन हमारा जो प्रोबेबिलिटीज़ है इज़ द एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी जैसे कल हमने क्या किया तुमको समझ आ रही है क्लास तो कल जैसे हमने क्या किया था हमने देखा था कि वेन यू थ्रो अ डाई तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आई एम थ्रोइंग इट फॉर सिक्स हंड्रेड टाइम्स तो अलग अलग आ रहा था है ना सिक्सटी टाइम्स आई थिंक वी वर थ्रोइंग बट हमारा जो एक्सपेक्टेशन प्रोबाबलिटी है दैट इज वन बाई सिक्स वन बाई सिक्स वन बाय सिक्स वन बाय सिक्स एन सो ऑन येस और नो वही है न तो उसको लेके के वन बाई सिक्स को लेके अगर हम मीन निकालेंगे तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन जब आपके एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी एक्चुअल जो आप नॉट एक्चुअल बट जो एक्सपेक्टेड uh, है जो थियोरिटिकल है वो यूज करके जब मीन निकालते हैं उसको तो क्या बोलते हैं तो पॉपुलेशन मीन को हम लोग यूजली क्या बोलते हैं एंड वी डिन नोट दिस लाइक दिस ई एक्स या फिर यू कैन ऑल्सो यूज अ कैपिटल एक्स सो ई एक्स का मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल गेटिंग अ नंबर, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस कैपिटल एक्स गॉट इट ऑल ऑफ यू एनी डाउट अंडरस्टूड अब एक क्वेश्चन करते हैं इसको कॉपी कर लो फटाफट इसको ना हम लोग ऐसे भी लिखते हैं सो एक्सपेक्टेशन को हम लोग ग्रीक जो हम लोग इसका लेटर यूज करते हैं वो है म्यू ठीक है वी कॉल दिस एज म्यू विच इज नथिंग बट समेशन ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स क्वाटेड अब इसका ना थोड़ा जनरल रूल हम लोग पढ़ते हैं सो लेट्स से सपोज ये कॉपी कर लिया ले सबने लेट्स से सपोज मैं बोलती हूँ आप लोग को कुछ वैल्यूज दे देते हैं um, चलो मान लो एकदम बेसिक लेते हैं ताकि इजीली कैलकुलेट कर पाए अच्छा है um, ठीक है इसका प्रोबेबिलिटीज है मैं अपने मन से ही लिख के दे रही हूँ आप लोगों को ठीक है टेल मी फर्स्ट थिंग इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालो कैसे निकालेंगे वन इंटू वन बाई थ्री प्लस टू इंटू वन बाई थ्री प्लस थ्री इंटू वन बाई थ्री क्या आएगा टू आर एग्जैक्ट टू आएगा दिस इज द एक्सपेक्टेशन हमने क्या किया मुझे चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स सो मैंने क्या बोला था आपको एक्सपेक्टेशन ये वाला जो लाइन लिखा है ना जिसको uh, हंसी आ रहा था अगर ये जो मैंने लाइन लिखा है ये प्लीज कॉपी करके इसको बोल्ड में लिख लो मेन या एक्सपेक्टेशन ऑफ सम थेशन ऑफ समथिंग मल्टीप्लाइड बाई दैट प्रोबेबिलिटी ठीक है वेरी वेरी important इसका मीनिंग yahan करेंगे तो बेसिकली ये आ गया अब फॉर example मैं बोलू कि ये मेरा मैंने कुछ थ्रो किया कुछ बॉल्स रखे हैं वन टू थ्री उसका प्रोबेबिलिटी आने का वन बाई थ्री वन बाय थ्री वन बाय थ्री है तीन बॉल रखे हैं नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री आप कोई भी एक उठाओ ऑब्वियसली वन थर्ड इज अ प्रोबेबिलिटी अब मैं बोल रही हूं कि हम वो बॉल निकाल रहे हैं उसका हम स्क्वेर कर रहे हैं ठीक है उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा फॉर एग्जाम्पल नाउ वट आई एम सेग कि हम वो बॉल निकाल रहे हैं एंड उसका स्क्वेयर करके लिख रहे हैं आउटपुट तो वन का स्क्वेयर इज वन फोर नाइन ये हमारा हो गया उसका स्क्वेयर उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा कैन यू टेल मी होगा ऑब्वियसली इसमें तो कुछ सोचने का बात ही नहीं है सेम ही होगा प्रोबेबिलिटी सो इट विल बी आप two निकालो उसका प्रोबेबिलिटी आप उसका स्क्वायर करके लिख रहे हो बट आप निकाल तो टू ही रहे हो ना सो so, यहां पे मैंने क्या ऐसे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क् क्या लिखा है एक्स इक्वल टू एक्स सो नाउ यूजिंग दिस बेसिक understanding can you find expectation of x square expectation of x square is basically summation of anything something ka mean ya yeah, something ka expectation is summation of that something which is x square and probability of that random variable got it तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे वन इंटू वन बाई थ्री प्लस फोर इंटू वन बाई थ्री प्लस नाइन इंटू वन बाई थ्री वॉट्स द आंसर टेल मी फोर्टीन बाई थ्री गॉट इट गैस तुम लिख क्यों नहीं रहे? आता है ये सब ठीक है सिमिलरली अगर मैं आप लोग को बोलूं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब निकाल लें तो आप लोग क्या करोगे वेरी सिंपल वेरी सिंपल दो तीन एग्जांपल्स और लेते हैं ये क्लियर है चेंज करूं पेज नाउ लेट्स सपोज इफ आई टेल यू एक्सपेक्टेशन ऑफ टू एक्स तो अब समझना इसको आप लोग करने का कोशिश लेट मी डू इट हेयर ओनली एक्सपेक्टेशन ऑफ टू एक्स करो तो क्या होगा टू समेशन अगर हम यूजिंग दिस फॉर्मूला जाएं यूजिंग दिस फॉर्मूला समेशन ऑलवेज राइट अ स्मॉल एक्स यहाँ पे बिकॉज ये तो आपका रैंडम वेरिएबल है एक्सपेक्टेशन ऑफ टू एक्स का मतलब है बोलने का कि आई वॉन्ट यू टू कैलकुलेट एवरेज और मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स ठीक है बट जब आप यहाँ लिख रहे हो आप क्या बोल रहे हो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स यू आर डीलिंग इन वैल्यूज सो वैन यू आर डीलिंग इन वैल्यूज इट शुड बी अ स्मॉल एक्स राइट यूट कैन नॉट राइट और इसीलिए मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ लिखो अगर अभी नोटेशन गलत लिखोगे तो फ्यूचर में हमेशा लिखोगे देर इज अज डिफरेंस बिटवीन राइटिंग अ स्मॉल एक्स एंड अ कैपिटल एक्स ठीक है तो ये जो स्मॉल एक्स लिखा मैंने देन प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू एक्स कर देंगे क्लियर नाउ समेशन ऑफ दिस फॉर ऑल इस पूरे में मेरे को बताओ कि कहीं भी इस टू का वेन यू डू द समेशन कोई यूज है एज इन आप क्या करोगे सुन लो टू इंटू वन इंटू वन बाई थ्री प्लस टू इंटू फोर इंटू वन बाई थ्री प्लस टू सॉरी टू इंटू टू करना होगा टू इंटू टू इंटू वन बाई थ्री प्लस टू इंटू थ्री इंटू वन बाई थ्री आप ये करोगे ना येस और नो तो क्या ये टू को हम बाहर लिख सकते हैं येस और नो क्योंकि टू तो कॉमन आ गया ना पूरे में कॉमन आ गया कि नहीं तो टू को हम बाहर लिख सकते हैं तो हम क्या करेंगे सब में टू हमने देखा कॉमन है तो टू बाहर समेशन एक्स ये बच रहा है एंड दिस इज व्हाट इज दिस सेम एज दिस स सो यू नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू इंटू टू कितना होगा एक बार सॉल्व करके देखो अगर ओरली सॉल्व करना है औरली सॉल्व करो ना टू इंटू वन इन वन बाई थ्री टू बाई थ्री प्लस फोर बाई थ्री प्लस सिक्स बाई थ्री फोर आएगा अंडरस्टूड? सिमिल मेरे को बताओ सिमिल ऑली ये तो हमने कर लिया है सिमिलरली मेरे को बताओ आप लोग को ये प्रूफ कर करके मेरे को दिखाना है एक्सपेक्टेशन ऑफ टू एक्स माइनस वन ये प्रूफ करके दिखाना है चलो इसको सॉल्व करो तीनों को एक चीज याद रखना एक्सपेक्टेशन ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ समथिंग इनटू प्रोबेबिलिटी ये खाली याद रखना है तो आराम से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा पहला वाला कैसे करेंगे एक्सपेक्टेशन है आ, तो इसमें हम लोग सिंपली ऐसे लिखते हैं समेशन ऑफ टू एक्स माइनस वन इंटू प्रोबिलिटी ऑफ एक्स क्योंकि इस पूरे चीज में खाली एक्स वेरिएबल है तो उसी जो चीज वेरिएबल होता है खाली उसी का प्रोबेबिलिटी आप डाल सकते हो ना अगर मैं बोलूँ कि एक रुपया का कॉइन है ठीक है वन रुपये है तो कल भी वो वन रुपी रहेगा परसों भी वो वन रुपी ही रहेगा इट कैन नॉट चेंज इट्स कॉन्स्टेंट राइट बट दिस एक्स इज अ वेरिएबल विच कैन ऑब्वियसली चेंज तो प्रोबेबिलिटी उसी को असाइन करते हैं जो वेरिएबल होता है फॉर श्योर sure. तो अभी इसको कैसे करें अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं इसको दो पार्ट में कैसे ब्रेक करेंगे टू एक्स माइनस वन तो समेशन टू एक्स वाला पार्ट आ गया मैं लिख नहीं रही हूँ अंदर का माइन ये एक्स है ठीक है स्मॉल एक्स और माइनस क्या होगा वन इंटू प्रोबैबिलिटी यस तो इसका तो कोई ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी है नहीं ना बट आप वन को कितने बार काउंट कर रहे हो हा? आप वन को कितने बार काउंट कर रहे हो बोलो 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 एन टाइम्स जो भी आपका एन है ना आप उतने टाइम्स उसको काउंट करो तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग अब ये वाला टू बाहर आ गया जैसे अभी हमने देखा समेशन एक्स इन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यस माइनस ये जो वन है ये फॉर एक्स है तो वन और एक्स को कोई रिलेशन है ही नहीं तो ये क्या होगा बाहर Yes, for all X. और होता क्या है ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा ये पूरा पार्ट वन हो जाएगा वेन यू एड ऑल द प्रोबिलिटीज फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स यू कैटो वन तो ये फाइनली आपका आएगा ये वाला पार्ट आपका क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस वन यस yes. क्या एक सेकेंड रुको ठीक है एक सेकेंड रुक जाओ अभी मैं तुम लोग को बताती हूँ क्या इजी है क्या डिफिकल्ट तो ये वाला जो पार्ट है ये आप लोगों ने किया ठीक है नाउ टेल मी देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क आई बिलीव इन स्मार्ट वर्क तो यहाँ पे ये जो हम लोग को दिया हुआ है प्रोबेबिलिटीज ठीक है ना आपको क्या निकाला हुआ है ठीक है ये निकाला हुआ है कोई बेवकूफ़ी होगा जो इसको दोबारा से सॉल्व करने जाएगा क्या करेगा वो टू इंटू वन माइनस वन इंटू वन बाई थ्री प्लस टू इंटू टू टू इंटू टू माइनस वन इंटू वन बाई थ्री प्लस टू इंटू थ्री माइनस वन पूरा चीज़ मल्टीप्लाइड बाई वन बाई थ्री ये खाली अभी तीन नंबर है तो आप कर सकते हो पचास नंबर होंगे तो आप वापस से करोगे अगर आपको पचास वैल्यूज देंगे इधर तो आपका एक्सपेक्टेशन अगर है तो क्या आप वापस से करोगे

सिंपल खत्म अभी क्योंकि तीन वैल्यू है इट्स इज़ी। बट व्हेन इट्स अ लॉट ऑफ नंबर्स इट्स नॉट इज़ी, राइट क्लियर बोलो देख लो इसको सॉल्व करो नेक्स्ट वाला करो। अच्छा ये जो है इफ़ यू ऑल रिमेम्बर हमने ऑलरेडी ये किया था मीन जो हमने पढ़ा था डू यू ऑल रिमेंबर हमने किया था ट्रांसफॉर्मेशन जब हम नंबर्स का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं न्यू एक्स बार इज रिमेंबर दिस डेडिवेशन ऑल्सो वी डिड दिस एक्स बार इज नथिंग बट आर एक्सपेक्टेशन बट ह्योर वी आर डूइंग इट यूजिंग प्रोबेबिलिटीज ह्योर वी डिड इट यूजिंग फ्रीक्वेंसीज गॉट इट अंडरस्टूड क्लियर चलो नेक्स्ट नेक्स्ट वाला करूं नेक्स्ट वाला क्या बोल रहे तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे अगेन वील यूज द सेम प्रोसेस तो हम लोग एक बार मैं इसको हटा देती हूँ वील यूज द सेम प्रोसेस एनीथिंग उसका एक्सपेक्टेशन इज दैट इन टू द प्रोबेबिलिटी सो समेशन ऑफ एक्स स्क् माइनस टू एक्स सब देखो मैंने स्मॉल लिख दिया है दिस अब अगर मैं डायरेक्टली करना चाहूं एक्स स्क्वे इन टू दिस तो सॉल्व आपको करना पड़ेगा एक बार के लिए मैं खाली इसको लिखू तो दिस इज वॉट दिस इज सेम एज यस माइनस टू ये भी हमने किया एंड अगेन वी हैव जस्ट अ नंबर तो वो भी क्योंकि समेशन ऑफ पी एक्स इक्वल टू इज वन सो आपको खाली ये अब देखो अब ये पूरा सॉल्व करने के लिए आप क्या करते आप इसमें वैल्यूज बैठाते आप क्या करते वन स्क्वायर माइनस टू इन टू न प्लस थ्री इन टू प्रोबेबिलिटी ऐसे आपको हर एक के लिए करना पड़ता है बट अब आपको क्या करना है एक्सपेक्टेशन एक्स निकालना है एक्सपेक्टेशन स्क्वायर निकालना है एंड यू जस्ट नीड टू पुट डाउन इन दिस इट्स ओनली नंबर्स इट विल नॉट बी ईजी टू डू इट यूजिंग दिस अप्रोच ऑल राइट क्लियर है सेम नेक्स्ट वाले का भी देख लो क्या है नेक्स्ट वाला मैंने क्या लिखा था एक्स बहुत लोग पते है क्या कर मतलब बहुत लोग तो नहीं बोलूँगी कुछ स्टूडेंट्स पता है क्या मिस्टेक करते हैं जो शायद हो सकता है आप भी कभी कर दो इसको वो ऐसे सॉल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी को स्क्वायर कर देते हैं डजेंट मेक एनी सेंस ओवर ही बट एग्ज़ाम में आई हैव सीन एक्स दिया है पी एक्स दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स क्या करेंगे एक्स स्क्वायेर भी कर देंगे प्रोबेलिटी को भी स्क्वायर कर देंगे फटाफट ऐड करके आंसर लिख के आ जाएंगे प्रोबेबिलिटी को स्क्वायर कर सकते हो इज इट मेकिंग एनी सेंस ठीक है चलो बोलो इसको कैसे करेंगे अब आप बोलोगे मैम एक्स स्क्वायर खोल दो मतलब जो ए माइनस बी स्क्वायेयर है वो आप खोल दो बट कैन यू नॉट डू इट लाइक दिस Can you not do it like this? Try Karuto if you can. होगा वैसे बिना खोले क्योंकि क्यों नहीं होगा बता सकते हो क्यों क्योंकि नहीं क्योंकि आपके पास x माइनस फाइव का प्रोबेबिलिटी नहीं है आपके पास किसका प्रोबेबिलिटी है x का प्रोबेबिलिटी है तो हमेशा यू नीड टू गेट इट डाउन टिल x गॉट इट आपके पास x माइनस फाइव का प्रोबेबिलिटी आप कर सकते हो अगेन फ्रॉम स्क्रैच वाला अप्रोच यूज करके बट उसमें वो इस फॉर्म में नहीं दिखेगा मतलब आपको किस फॉर्म में लाना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के फॉर्म में लाना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्र के फॉर्म में लाना है वो फॉर्म में आपको वो चीज़ नहीं दिखेगा सो अगेन वट वील डू इट्स सेम आप लोग घर पर कर सकते हो ऐसा ही आएगा जस्ट नीड टू ओपन द स्क्र रूट एक्स स्क् माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव लिख के आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट वील बी डूइंग तो एक कॉमन फॉर्मूला जो हमारा बन रहा है इधर वो लिख लो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज ए इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी एक और चीज एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स वॉट ड्यू मीन बाई जी एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने लिखा होगा ना कभी आप लोगों ने क्लास इलेवन ट्वेल्व में अगर सॉल्व किया है फंक्शन ऑफ एक्स हम क्या बोलते हैं एनी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स ए एक्स स्क्र प्लस बी प्लस सी एक्स कुछ ऐसा तो जी एक्स भी एक तरीके से फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स जैसे एफ एक्स लिखते हैं वैसे जी एक्स होता है एच एक्स लिख दो कुछ भी यू कैन यूज अ स्मॉल लेटो टू डिनोट दैट इट्स अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स तो मैंने क्या बोला एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स जी एक्स का मतलब क्या हुआ इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स इज वॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ सम थॉट बोलो समेन ऑफ दैट समथिंग इंटू प्रोबिलिटीज द ओनली थिंग विच इज वेरिएबल इज एक्स गॉट इट ये दोनों लिख लो ठीक है अब अगर इसी चीज का आपको मैं बोलूँ कॉपी कर लिया सबने अब अगर मैं इसी चीज़ का आप लोगों को बोलूँ मीडियम निकालने मीडियम एंड मोड एंड स्टैंडर्डिविएशन बच रहा है हमारा तो लेट्स सपोज अगेन टेकिंग द सेम वैल्यूज मैं थोड़ा ट्विस्ट करूंगी टू गेट द आंसर क्या लिखेंगे hmm? इट सो right? so, अगर मैं इसका मीडियम निकालने बोलू तो मीडियम आप कैसे निकालोगे वॉट इज मीडियम हा मिडल मोस्ट मिडिल मोस्ट नंबर या मिडिल मोस्ट नंबर कैसे निकलेगाटिव प्रोबेबिलिटीज hmm? निकाले मिडल मोस्ट मतलब क्या अगर हम जब फ्रीक्वेंसीज प्लॉट करते हैं ठीक है अगर सपोज ये फ्रीक्वेंसीज होते तो आप मिडिल मोस्ट फ्री एन नंबर्स थे तो आप क्या करते थे एन प्लस वन बाई टू करके आप देखते थे कि कौन सा वाल्यू उधर आ रहा है राइट अब यहाँ पे अगर हम इसका स्टेप्ड ग्राफ बनाएं कल हमने स्टेप्ड ग्राफ बनाया था तो स्टेप्ड ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया था सी डी एफ़ याद है सी डी एफ इज प्रोबलिटी एक्स लेस दैन इक्वल टू एक्स सो so, ये हो जाएगा जीरो पॉइंट टू बोलो वन ये हमने यूज किया है तो अब इसको अगर प्लॉट में हम लोग डाले इधर हम डालते हैं प्रोबेबिलिटी एक्स देन इक्वल टू एक्स एंड यहां डालते हैं एक्स कितने वैल्यूज है वन टू एंड थ्री तो वन के नीचे वन के नीचे क्या है प्रोबेबिलिटी एक्स देन इक्वल टू वन इज वॉट आप यहाँ से स्टार्ट करोगे क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे बताओ क्या इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऐसे बना दें ये ज़ीरो पॉइंट टू है तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग तो ये मीनिंग हो जाता है ना कि इन सबका वैल्यूज कभी का जीरो पॉइंट टू है लेस देन इसका तो अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू लो जीरो पॉइंट फाइव तो इसके अकॉर्डिंग आप बोल रहे हो दिस करेक्ट आप ये बोल रहे हो ना अगर आप यहां से जीरो पॉइंट टू से बना रहे हो तो आप ये बोल रहा, बोलना चाह रहे हो तो ये तो नहीं बोल सकते ना इट्स रॉन्ग येस और नो अगेन अ वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक वेन स्टूडेंट्स मेक अ स्टेप ग्राफ तो ये चीज आपको ध्यान रखना है एंड इसको ध्यान रखते हुए दिस इज रोंग हाउ आर वी मेकिंग इट देन यहाँ हो गया ज़ीरो तो ये पूरा ज़ीरो रहेगा यहाँ पे इट इज़ स्टार्ट एट जीरो पॉइंट टू लेस देन है अगर मैं बोल देती प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन खाली तो ये तो जीरो ही जाता ना लेस देन वन इज जीरो ना याद करो कल हमने जो वो पूरा सी डी एफ मैंने लिखा था फिर मैंने बोला था कि इसको यूज़ करके प्रोबेबिलिटीज़ निकालो तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे उसमें था प्रोबेबिलिटी एक्स लेस दैन जीरो जीरो प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस दैन वन का मैंने एक वैल्यू लिखा था क्योंकि वो ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो आ गया था तो ज़ीरो इंक्लूड हो गया था उसमें वैल्यूज पॉसिबल वो जीरो वन टू थ्री ऐसा कुछ था तो यहाँ पे अगर आप लेस दैन लिखोगे तो ऑब्वियसली जीरो होगा बट हम ये चीज नहीं फॉलो करते हैं सी डी एफ इज दिस तो लेस दैन इक्वल टू वन इज जीरो पॉइंट टू वन से छोटा वैल्यू पॉसिबल नहीं है गोट तभी ये one पे आ है. हम लोग देखेंगे जब कंटिन्यूस करेंगे ऐसे स्टेप्ड ग्राफ नहीं बनता एक स्मूथ लाइन बनता है क्योंकि ऑल द वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर रेंज इज पॉसिबल तो ये हो गया नेक्स्ट ये हम लोग यहाँ तक ऐसे ही चलेंगे क्योंकि टू तक Probability एक्स लेस than टू नॉट लेस than इक्वल टू लेस than टू वो कितना है पॉइंट टू ही है फिर क्या हो जाएगा वो जीरो पॉइंट एट फिर ये यह यहाँ तक ये रहेगा एंड देसली इट्स अ वन ठीक है क्लियर तुम फोन में क्या कर रहा है ये तुम पढ़ लिया है क्या ये तुम पढ़ चुका है नहीं बट तुमको ये आता है बट डू यू नो दिस हैव यू स्टडीड दिस बिफोर हाँ स्टिल यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन इसके पहले नहीं तुम लोगों ने फ्रॉम स्क्रैच किया था वो वाला यू आर नॉट एबल टू डराइव दिस वर यू एबल टू डराइव दिस देन डोंट एक्ट स्मार्ट इन माई क्लास ठीक है चुपचाप पढ़ाई करो नहीं पढ़ना घर जाओ डोंट वेस्ट माई इन योर टाइम कोई फ़ायदा नहीं है आप लोग एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो एंड उस कोर्स में आप यहाँ बैठे हो दो घंटे और उसमें आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो बाय जस्ट लुकिंग एट योर फोन एंड टाइम इज एंड मी ये स्कूल नहीं है आपका जहाँ पास हो जाओगे एंड रोड होके निकल जाओगे क्लियर है सबको तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं मीडियम निकालू मीडियम इज वॉट दिडल मोस्ट वैल्यू तो अगर मैं बोलूँ एक सेट ऑफ वैल्यूज है ठीक है उसको ये यह यहां से काटता है मीडियन। तो इसके नीचे 50% परसेंट वैल्यूज होने चाहिए एंड इसके ऊपर 50% परसेंट वैल्यूज होने चाहिए ये और नो सो प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू मीडियन इज हाउ मच 0.5? Yes or यस ऑर नो या फिर ग्रेटर देन मीडियम शुड बी 0.5? इसको लिख लो ये सब लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर ऑल राइट तो इसके बाद अब बताओ यहाँ पे अगर हम एक जीरो पॉइंट फाइव का लाइन टाने ऐसे और हम लोग ट्राई करें कि वो इधर कहाँ लाई कर रहा है इस पॉइंट पे लाई कर रहा है सो योर आंसर शुड बी वॉट यूजिंग द ग्राफ बट इफ यू जस्ट लुक एट दिस प्रोबाबिलिटी एक्स लेस दैन एक्स तक इट वॉज वन मतलब वन प्रोबेबिलिटी टू वन वॉज जीरो पॉइंट टू जैसे ही प्रोबेबिलिटी एक्स लेसन इक्वल टू टू हुआ इट बिकेम मुझे क्या चाहिए मुझे आंसर में ये चाहिए वॉट इज दिस एक्स ताकि ये आपका जीरो पॉइंट फाइव है अब क्योंकि हम डिस्क्रीट वैल्यूज में वर्क करते हैं कभी भी ये एक्जैक्ट एक्स हमें नहीं मिलता है बट हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जीरो पॉइंट टू है ये जीरो पॉइंट एट है सो वील कंसिडर द आंसर टू बी टू ठीक है ये पूरा बना लो सो द मीडियन विल बी टू क्लियर एनी डाउट अब सेम अगर मैं बोलूँ इसी एग्जाम्पल का मोड लेना है विच इज वेरी इजी मोड में आप खाली क्या देखते थे हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी विच इज सेम एज सेम हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी तो इस केस में इसका दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज वॉट सिमेट्रिक मीन इक्वल मोड इसका मीन क्या आ रहा है हाँ, मीन देखो एक बार क्या आ रहा है टू नहीं आएगा आई गेस आएगा क्या टू आ रहा है मीन मीडियम मोड इक्वल को क्या बोलते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इफ यू मेक अ बार चार्ट तो ये ऐसा बनेगा जीरो पॉइंट टू का हो गया ये जीरो पॉइंट सिक्स का हो गया जीरो पॉइंट टू वन टू एन थ्री सिमेट्रिक लग रहा है गैस और नो एवरी थिंग इज रिलेटेड जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था और अभी जो हम पढ़े हैं सब रिलेटेड है जिस दैट वहाँ फ्रिक्वेंसीज लेके कर रहे थे यहाँ प्रोबेबिलिटीज कुछ डिफरेंस नहीं है नाम दे दिया क्या रैंडम वेरिएबल ठीक है रैंडम प्रोबाबिलिटी मतलब रैंडम चलो नेक्स्ट मेन मीडियन मोड हो गया अब कर लेते हैं सैंडिवेजन थोड़ा ट्रिकी है बट अगेन वेरी ईजी नॉट डिफिकल्ट क्या क्या मेजर्स ऑफ स्प्रेड पढ़ा था हमने वेरियंस एंड स्क्यूनस एंड रेंज एंड ऑल दैट रेंज नहीं करेंगे अभी हम लोग रेंज निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है लेट्स क्विकली जस्ट फाइंड आउट द वेरियंस सो इफ यू ऑल रिमेंबर हम लोग वेरियंस कैसे निकालते थे हमने एस स्क्वायर लिखा था याद है सैम्पल वेरियंस के लिए फॉर्मूला किसी को याद है Hmm? देख के बताओ वन बाय एन माइनस वन वन बाय एन माइनस वन फिर समेशन इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू एक बार yes लिख दो सब लोग इन दो चार्टॉक्स हाँ एक्स माइनस बस ये करते थे हाँ फॉर ऑल एक्स रिमेंबर हमने एक सम किया था जहां पे हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था वन 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 थ्री 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 टू टू बहुत बार आ रहे हैं वो नंबर्स तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर करके कि किया था फिर क्योंकि आप क्या करते मीन निकालते एक्स बार वन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस फिर अगेन प्लस वापस से वन आ रहे हैं तो वो सारे को हमने साथ में इंटू थ्री लिख दिया था इंटू फोर लिख दिया था सो so, अगर हम लोग आप लोग बहुत स्मार्ट हो अब खाली मेंटली ये सब जो इन्होंने इतना लिखा है ना उतना नहीं तो इन टू थ्री इंटू फोर ऐसे कर रहे थे सो थ्री डिवाइडेड बाई एन माइनस वन प्लस फोर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन अगर हम वो करें चलो भूल जाओ एन नहीं माइनस वन ये तो एन है खाली तो क्या आप क्या करे आप फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड करो टोटल से तो आप प्रोबेबिलिटी तो मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो 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 यस और नो यस और नो तो अगर मैं बोलू आप लोग को वेरियंट ऑफ एक्स जिसको हम वी एक्स थ्री नोटेशन ऐसे लिखते हैं तो वन बाय एन समेन एक्स माइनस एक्स बार इसकेस में एक्स बार नहीं आएगा म्यू आएगा का स्क्वेर आई टेल यू द डिफरेंस दिस इज नथिंग बट वॉट वी आर डूइंग इज हम लोग इसको डिराइव करेंगे हम लोग एक्सपेक्टेशन जो हमने अभी पढ़ा ई एक्स उसके टर्म्स में इसको हम लिख सकते हैं बस बिफोर मूविंग दैट आप लोग को याद होगा मैंने सैम्पल वेरियंस एंड पॉपुलेशन वेरियंस कराया था एंड आई टोल्ड यू वाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन माइनस वन एंड एन क्यों यहाँ एन माइनस वन करते हैं एंड क्यों यहाँ एन करते हैं अगर आप एन माइनस वन करोगे तो ये वैल्यू बड़ा आएगा तो बड़ा बड़ा चाहिए हम बड़ा ले रहे हैं एंड पॉपुलेशन हम कंपेरेटिवली थोड़ा छोटा ले रहे हैं ऐसा क्यों क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं यूजली द स्प्रेड ऑफ द सैंपल विल बी मोर कंपेयर्ड टू अ पॉपुलेशन अगर आप ले रहे हो एक कंट्री में मान लो या एक छोटे से एरिया में दे आर टेन लाख पीपल हुआ वोटिंग सैम्पल आपने वन थाउजेंड लोगों का किया यू कैन सी एक्सट्रीम वैल्यूज ऑल्सो देयर सो यू माइट एक्सपेक्ट कि उसका जो स्प्रेड है वो बड़ा है कंपेयर टू द पॉपुलेशन इसीलिए हम सैंपल को एन माइनस वन से डिवाइड करते हैं एंड यहां से आप लोगों को पता है अभी in अभी रिसेंटली रिसेंटली बिकॉज आई एम इन प्लेसमेंट्स एक स्टूडेंट ने इंटरव्यू दिया टेन मिनट्स में इंटरव्यू ओवर हो गया जिसमें शुरू के फाइव मिनट्स वॉज ओनली इंट्रोडक्शन दो बेसिक स्टार्ट के क्वेश्चन पूछे ही कुडेंट आंसर इंटरव्यू सेड थैंक यू बाय बेसिक क्वेश्चन स्टूडेंट हैज क्लियर सिक्स एक्चुअल पेपर्स क्या फ़ायदा इतना पढ़ के जब आपका दस मिनट में इंटरव्यू ख़त्म हो रहा है उससे बड़ा इंसल्ट नहीं है राइट right? समझ रहे हो तो ये बेसिक अगर क्लियर नहीं है ना इंटरव्यूअर समझ जाता है वो बेवकूफ़ नहीं है वो दस साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है तो इसीलिए मेक श्योर डेट एटलीस्ट फ्यू बेसिक थिंग्स क्यू एन माइनस वन करते हैं क्यू एन करते हैं ये सब आपके दिमाग में रहे राइट right? ओके okay, okay. तो इसका एक काम करो आप लोग मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ पहले तो उसका मुझे निकाल के बताना फिर उसको हम लोग एलाबोरेट करेंगे ओके सो यहाँ मैंने फॉर्मूला लिख दिया है x के वैल्यूज़ ले लो अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ले ले रही हूँ वैल्यूज़ वन 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 टू थ्री फोर फाइव ये है करना नहीं है बट इसको अगर सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे फॉर एस स्क्वायर वन माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितने वैल्यूज़ हैं आई थिंक टेन है क्या टेन है तो डिवाइडेड बाय नाइन प्लस वैसे कर करके करोगे है हाँ ना बट अगर हम इसका एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना लें और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लें तो कितनी बार वन आ रहा है जीरो पॉइंट थ्री हो गया थ्री बाय टेन कितने बार टू आ रहा है और कितने बार थ्री आ रहा है पॉइंट टू करेक्ट नाउ कैन यू कैलकुलेट एक्सपेक्ट नॉट एक्सपेक्टेशन सॉरी नाउ कैन यू कैलकुलेट वेरियंस ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे जैसे वहां आपने क्या किया इसको डिराइव कर लेते फॉर्मूला को वहां आपने क्या किया आपने ऐसे लिखा दिस इज नथिंग बट द मीन क्योंकि हम पॉपुलेशन टर्म्स में बात कर रहे हैं तो हम पॉपुलेशन मीन लेंगे पॉपुलेशन मीन ऐसे रिप्रेजेंट होता है सैम्पल मीन ऐसे रिप्रेजेंट होता है ऑल्दो बोथ आर डिवाइडेड बाई एन द ओनली डिफरेंस वेर इट कम्स इज इन केस ऑफ वेरियंस वाई द डिफरेंस बिकॉज वी से आप लोग लिख ही लो ना बिकॉज वी से स्प्रेड ऑफ सैम्पल इज लेस दैन स्प्रेड ऑफ पॉपुलेशन ये लिख लो प्लीज ये लिख लो सो जस्ट टू एडजस्ट फॉर द फैक्ट कि सैंपल साइज सैंपल जो लेंगे उसका जो स्प्रेड है हो सकता है थोड़ा कम है जस्ट टू एडजस्ट फॉर द फैक्ट वी डिवाइडेड बाय एन माइनस वन दैट्स फाइन नाउ अगर ये पूरा चीज आप लोगों को दिया हुआ है अगर हम इससे देखें तो आप इसको सॉल्व ऐसे करोगे ना वन um, माइनस इसका मीन क्या आ रहा है नहीं करके बताओ पॉइंट नाइन वन पॉइंट नाइन श्योर तो वन पॉइंट नाइन प्लस या फिर प्लस नहीं किया आपने इनटू इसको कितने बार टू बाय टेन लेट मी कैलकुलेट द पॉपुलेशन वेरियंस टू बाय टेन होगा ना अरे आप वन माइनस वन पॉइंट नाइन स्क्वायर प्लस वन माइनस वन पॉइंट नाइन स्क्वायर तुम तीन बार करेगा ना अच्छा तो थ्री आएगा थ्री yeah. आएगा तीन बार करेगा मैं लिख नहीं रही हूँ वो स्टेप आप लोग को मैंने आप लोग लिख सकते हो प्लस ये क्या हो जाएगा टू माइनस वन पॉइंट नाइन का स्क्वायर इंटू फाइव बाई टेन प्लस थ्री माइनस वन पॉइंट नाइन का स्क्वायर इंटू टू बाई टेन ये आप लोग या फिर आप लोग ब्रेक करके कर सकते हो तो इतने टेन टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा दिस इज वॉट

है? अगर आप एक्स बार यूज कर रहे हो दैट्स फॉर सैम्पल म्यू यूज करो दैट्स फॉर पॉपुलेशन सो यू जस्ट राइट इट डॉन दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज सेम एज सेम कि हम लोग क्या कर रहे हैं इधर ऑल दो ये लिखने का जरूरत नहीं है बट दिस इज सेम एज सेम वॉट हम एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या कर रहे हैं बोलो जल्दी एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वेर यही तो कर रहे हैं हाँ yes, यस यही कर रहे हैं लिख लो इसको <coughs> अब इसको भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं दिस इज़ ऑल्सो शोन एज़ ये भी लिख लेना क्योंकि ये हम लोग यूज़ करते ही हैं स्टेटिस्टिक्स में ये भी लिख लेना सिग्मा स्क्वायर इज नक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का हो रहा है वो भी लिख लेना नहीं तो कंफ्यूज ये पूरा एग्जाम्पल लिख लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे सॉल्व करने नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग कर सकते हो खुद से सॉल्व ठीक है नाउ इफ़ यू ऑल रिमेंबर वी डिड समथिंग लाइक दिस इन प्रीवियस क्लास जहाँ मैंने बोला था कि एक्स स्क्वा मतलब एस स्क्र इज़ वन बाय एन माइनस वन समेन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डू यू ऑल रिमेंबर इसका हमने uh, वो किया था डिराइव किया था फाइनल रिजल्ट एनी वन रिमेंबर्स हमने ये डिराइव किया था रिमेंबर हमने डिराइव किया था क्लास में लास्ट में हाँ जिसको याद नहीं है वो रिवाइज कर लेना सिमिलरली वेरियंट ऑफ एक्स या फिर सिग्मा स्क्वेर इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन अभी मैंने क्या बोला एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वेर राइट अब इसको भी क्या हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं डेफिनेटली लिख सकते हैं लेट्स डू इट चलो क्योंकि हम लोग वही यूज़ करते हैं आधे से ज़्यादा टाइम टू तो कैलकुलेट वेरियंस ये तो मैंने कब यूज़ किया होगा पता नहीं हमेशा वो शॉर्ट वाला फॉर्मूला ही हम यूज़ करते हैं तो उसको कैसे डिराइव करोगे इसके अंदर ही खोल दो मैं एकदम शॉर्टकट दिखा रही हूँ आई डोंट नो इन्होंने बहुत लंबा सा दिखा रखा है वी विल यूज़ अ वेरी इजी थिंग क्या हो जाएगा ये होगा म्यू स्क्वायर इज वॉट पॉपुलेशन मीन विच इज अंस्टेंट नंबर कैन इट चेंज डज इट हैज प्रोबाबिलिटीज टू इट येस येस बोलो तो कैन वी राइड दिस वेन यू ओपन दिस अप डिरेक्टली कर करेंगे ठीक है ये आप लोग अगर खोलते तो आप लोग क्या लिखते समेन ऑफ दिस थिंग इन टू प्रोबाबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वैसे लिखते फिर आप एक, एक करके ब्रेक करते समेशन ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स प्रोबेबिलिटी वैसे करके लिखते मैं डायरेक्टली उसके नेक्स्ट वाले स्टेप में जा रही हूं क्योंकि आप लोगों को करना ऐसे ही आगे जाके अब डिरेक्टली नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए समेशन एक्सक्वाटी एक्स इक्वल टू एक्स बिकम्स वॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क् ठीक है माइनस सुनना टू एक्स म्यू प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स तो वो टू और म्यू का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है वो बाहर आ जाएगा समेशन एक्स प्रोबेबिलिटी एक्स बच रहा है अगर किसी को डाउट हो रहा है तो बोल दो मैं लिख देती हूं टू एक्स म्यू प्रोबेबिलिटी ये आएगा ये ये इसका और इसका कोई मीनिंग नहीं है एक्स से तो ये दोनों एक्स के बाहर आ जाएगा समेशन के तो क्या बचा टू म्यू Into that part, and this is what expectation of X. So it becomes two mu. Yes, plus summation of uh, X. Nay, sorry, summation of mu square into probability. Mu square has nothing to do with the. इट्स जस्ट अ नंबर म्यू स्क्वायर बाहर आ जाएगा समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी अप टू दिस इज वॉट इज वॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज वॉट म्यू म्यू टू म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर हेंस प्रूव्ड

कि मैं आप लोग को ये समझाऊँ कैसे बिकॉज ऑब्वियसली टीच सी एस टू तो मेरे को ये सब मैं डायरेक्टली यूज़ करती हूँ फॉर्मूलास। अब मुझे आदत नहीं कि मैं आप लोग को ये कैसे समझाऊँ सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि आई यूज़ डिफरेंट अप्रोच बुक का जो अप्रोच है वो बहुत ही अजीब सा है तो आप लोग ये लिख लेना सब कुछ क्योंकि आप लोग को और कहीं मिलेगा नहीं जो जिस तरीके से आई हैव एक्सप्लेनड ये वाला लिख लिया अब इसका एक बार ट्राई करना वेरियंस निकालने का ये अप्रोच से आप लोगों ने निकाला वेरियंस क्विकली जस्ट एंड गिव मी द आंसर यूजिंग दिस दिसक्शन बोलो फोर्टीन फोर्टी नाइन बाई हंड्रेड जीरो पॉइंट फोर नाइन ना तो उस समय कुछ और नहीं बोल रहे थे तुम लोग अच्छा ठीक है ये आ गया अब आ, सेम हम लोग ये वाला अप्रोच यूज़ करते क्या फार्मूला मैंने डिराइव कराया सिग्मा स्क्वायर का ये फार्मूला डिराइव कराया ना चलो इसको करो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सक्वायर कैसे निकालेंगे वन इंटू जीरो पॉइंट थ्री प्लस फोर इंटू जीरो पॉइंट फाइव वैसे करके आ जाएगा मेरे को एक्सपेक्टेशन ऑफ स्क्वायर बताओगे और मीन बताओगे इंडिविजुअली मीन तो वन पॉइंट नाइन निकाल चुके थे हम लोग ये वाला इसको ना हम लोग ऐसे भी लिखते हैं लिख लो ना ये भी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क् माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर मैंने ई स्क्वायर लिखा है आप पैसे पूरा ब्रैकेट करके भी स्क्वायर लिख सकते हो ये हम यूज करते हैं आप ऐसे लिखो लॉर्न द एक्चुअल थिंग्स दिस इज सेम क्या आ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या Only one. क्या ओनली आ रहा है आंसर सेम आएगा क्लियर न्यूमेरिकली न्यूमेरिकली से करने से पहले हमने वो चीज फॉर्मूला में प्रूव कर दिया था ठीक है <coughs> ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब देखो आप लोगों ने ये चीज प्रूव किया है इज इक्वल टू ये लिख लो वेरियंस ऑफ ये लिखो एंड अगर सेम मैं बोलू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है रूट का रूट ऑफ वेरियंस विच इज ए इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स ठीक है अगर इसका डेरिवेशन आपको करना है आई कैन शो बट आप लोग घर पर करना बहुत ईजी है यू ऑल कैन डू इट ये जैसे हमने एक्सपेक्टेशन का डेरीवेशन किया है आप यहाँ पर इसको फॉर्मूला में डालो मतलब इसका फॉर्मूला कैसा होगा आप लोग एक्सपेक्टेशन या समेसन वाला अप्रोच अगर आप लोग यूज़ करो जैसे ये वाला अप्रोच आप लोग घर पर ट्राई करना इफ़ यू आर एबल टू डू इट गुड अदरवाइज़ आई कैन शो यू हाउ टू डू इट आप लोग ये वाला अप्रोच यूज़ करना समेसन वाला ट्राई करना कि आप लोग का ये सेम चीज़ आ रहा है कि नहीं रिमेंबर हमने ऑलरेडी ये कर लिया है क्लास में हमने फ्रीक्वेंसीज लेके किया था यू ऑर रिमेंबर याद है मैंने सब में मल्टीप्लाई कराया था एंड फिर बोला था इसका वेरियंस निकालो फिर ऐड किया था और फिर निकाल और मैंने आप लोग को ग्राफ से भी दिखाया था कि अगर सपोज ये वैल्यूज़ हैं वन टू एंड थ्री ठीक है one, three, इसका हम वेरियंस uh, निकालने जाए तो पहले स्क्वायर करना होगा तो वन फोर एंड इधर तो ये जो स्प्रेड है ये काफी ज्यादा हो जाते हैं स्क्वायर करके ये सब चीज मैंने आप लोगों को कराया था तो ये चीज आप लोग घर, घर पे घर एक बार ट्राई करना अगर होता है तो ठीक अदरवाइज आई शो इट टू यू हाउ टू डू इट सेम जैसे फ्रीक्वेंसी लेके करा था वैसे एग्जैक्टली सेम प्रोबेबिलिटीज लेके आपको इसका रिजल्ट देखना है कल हम लोग रिजल्ट देख लेंगे नेक्स्ट लिखो स्क्यूनस नेक्स्ट आया स्क्यूनेस इज वेरी सिंपल अगेन नॉट वेरी डिफिकल्ट स्क्यूनेस का फॉर्मूला किया है हमने क्या था यू ऑल रिमेंबर क्विकली वन बाय एन ये था फिर हमारे केस में व्हेन वी फाइंड स्क्यूनेस ऑफ द पॉपुलेशन वी राइट इट लाइक दिस म्यू क्यूब म्यू थ्री जस्ट टू डिनोट कि हम लोग थर्ड ऑर्डर कुछ निकाल रहे हैं सो राइट इट लाइक दिस क्यूनेस ऑफ एक्स एंड दिस इज कैलकुलेटेड एज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वहां पर हम लोग क्या करे थे वेरियंस में वन बाय एन समेन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वेर करे थे तो यहां हम लोग कर रहे हैं क्यूब सेम है cube. से देख लो जो आप लोगों ने यहां करा ठीक है ये जो आपका यहाँ आ रहा था ये वाला वैल्यू कैसे आ रहा था देख लो ये जो आपका वैल्यू आ रहा है बस ये स्क्वायर है वहां क्यूब है क्योंकि इट्स द सेम थिंग राइट वहां पे स्क्वायर के जगह हम थर्ड ऑर्डर देखते हैं रादर देन द सेकेंड ऑर्डर क्लियर एंड इफ यू यूर रिमेम्बर्स क्यूनेस अगर ग्रेटर देन जीरो है मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड लेस दैन जीरो इज नेगेटिवली स्कीूड इक्वल टू जीरो इज सिमेट्रिक ठीक है uh, ये आप लोग निकाल सकते हो इसका क्विकली लेट्स डू वन थिंग अगर ये स्क्यूनेस मेरे को सॉल्व करना होगा हाउ विल आई सॉल्व दिस समे एक्स माइनस म्यू का क्यू प्रोबेबिलिटी ऐसे करेंगे इसको सॉल्व बोलो तो आप लोग को अगर मैं तीन वैल्यू जैसे मैंने दिया था वन टू थ्री जीरो पॉइंट टू वन वो पूरा जो मैंने दिया क्या आप लोग उसमें डाल के स्क्यूनेस निकाल सकते हो निकाल सकते हो ना प्रोबेबिलिटी इज गिवन है एक्स के वैल्यूज़ गिविन है उसका म्यू निकालो इंडिविजुअली इसमें डाल के सॉल्व करो एक्स माइनस म्यू का क्यूब इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस एक्स माइनस म्यू का क्यूब इंटू प्रोबेबिलिटी क्या कर सकते हो आप लोग ये चीज़ सॉल्व यस और नो कर सकते हो बट अगर मैं बोलूँ कि इसका भी शॉर्टकट है जैसे हमने वेरियंस का क्या शॉर्टकट निकाला एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर वैसे इसका भी हम शॉर्टकट कर सकते हैं सो लेट्स डू इट कैन यू ऑल टेल मी क्यूब वाला आता है मैं भूल जाती हूँ हमेशा क्यूब को कैसे लिखते हैं ब्रेक करते हैं ए माइनस बी होल क्यूब एक तुम लोग ऐसे बोलो एक्स क्यूब माइनस म्यू क्यूब थ्री एक्स म्यू इसमें कुछ स्क्वायर होगा ब्रैकेट के बिना बताओ खोल दो ब्रैकेट आर यू श्योर हम्म ठीक है ओके आई ट्रस्ट यू चलो ये हो गया तो अब हम लोग वापस से इसको अगर ब्रेक करें तो ये एक्सक्यूब इंटू प्रोवाबिलिटी विच बिकम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सक्यूब लेट मी नॉट ट्राइट इट होर बोलो सिंपल नंबर फिर क्या इसको और हम लोग नेचर तक तोड़ सकते हैं ये मैं म्यू क्यूब नहीं लिख रही हूं म्यू क्यूब यहां पे प्लस थ्री म्यू क्यूब आएगा ना ये वाला म्यू हो जाएगा तो क्या हो गया आया माइनस थ्री उ यू कैन यूज दिस अप्रोच इसमें क्या करना है म्यू हमारे पास है एक्सपेक्टेशन एक्सक्वायर हमने वेरियंस के लिए निकाला था यूजली क्वेश्चन आता है मीन निकालो वेरियंस निकालू उस क्यू निकालू तो मीन म्यू आपने निकाल लिया है वेरियंस एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्र आप निकालोगे उसमें एंड इसमें खाली एक्सपेक्टेशन एक्स क्यूब निकाल के यहाँ पर आंसर डाल सकते हो क्लियर गॉट इट एक चीज़ करते हैं इसका आप लोग निकाल के बताओ तो स्क्यूनेस कॉपी कर लिया था क्या थे वैल्यू ज़्यादा इसका स्क्यूनेस निकालना यही था ये तो नहीं ले रहा ये वाला ठीक है म्यू क्यूब म्यू इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या आ रहा है और ये भी आप लोगों ने निकाल लिया था फोर पॉइंट समथिंग बस ये निकालना है बताना एक्स क्यूब क्या है आप लोग वो टेबल वाला स्टार्ट मोड आता है ना उसमें डाल के भी एक्सपेक्टेशन एक्स क्यूब डायरेक्टली निकाल सकते हो ये वाला नाइन पॉइंट नहीं क्या आ रहा है फाइनल आंसर जीरो पॉइंट इट्स पॉजिटिव सो इट्स पॉजिटिवली स्क्यूड यू कैन मेक अ प्लॉट एंड चेक ठीक है एक लास्ट मेट्रिक करेंगे तो क्लास हमारा खत्म हो जाएगा नहीं आया था आंसर पक्का कर लो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस हेडिंग देना ऑफ है? नहीं कहना अभी तक इसको समझाने के लिए ना आई यूज टू वेरी बेसिक फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल्स सेंटीमीटर टू मिलीमीटर क्या होता है? इन टेन दोनों का कोई फिशर निकालो क्विक सॉरी स्क्यूनेस निकालो क्विकली यहाँ आप लोग वो क्यूब वाला डायरेक्टली यूज कर सकते हो क्योंकि बहुत कम नंबर्स है तो फाइव माइनस मीन का होल क्यूब इनटू मतलब ये वाला फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो बेसिक वाला क्योंकि दो हैं तो आपको तीन वैल्यूज निकालने पड़ेंगे मीन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब नॉट रिक्वायर डायरेक्टली सॉल्व दिस टेल मी दोनों का आंसर <coughs> कैलकुलेटर में डालो डायरेक्टली और बताओ क्या आएगा क्या है बोल ही नहीं रहा कोई क्या वॉट वन पॉइंट टू नाइन सिक्स वॉट सेंटीमीटर क्यूब बाय सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि आपने क्या किया है फाइव माइनस समथिंग का क्यूब सेंटीमीटर का क्यूब नॉट राइटिंग दिस मतलब एक मार्क गया ठीक है सेंटीमीटर क्यूब यहां सो गए ये तो करो कैलकुलेटर में तुम सारा क्लासेस कर लेना ओवर द वीकेंड बोलो क्या हो गया इतना टाइम वन टू नाइन सिक्स वाट अब दोनों ने मुझे हाइट्स बताए अपने लेंस बताए कि कंपेयर करना अच्छा ये एक सेकंड सुन लो एक सेकंड सुन लो ये क्या था मिलीमीटर इनटू टेन किया था हमने स्क्यूनेस एक जगह आपने खाली एक्स का निकाला है और एक जगह आपने किसका निकाला है 10x का निकाल है ना तो इट्स व्हाट ये बाहर आएगा क्यूब होके के बाहर आता है स्क्वायर होके स्क्यूनस के बाहर आया इसमें अगर आप डालो मतलब इसमें अगर आप लोग डालो टेन एक्स को स्क्यूनस ऑफ टेन एक्स है ना तो अगर टेन 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 इधर डालो तो ये टेन बाहर क्यूब होके आएगा ये टेन बाहर स्क्वायर होके तो आंसर वैसे भी ला सकते हो आप लोग बट हम लोग क्या जैसे हमने वेरियंस के लिए किया था वैसे स्क्यूनस के लिए ए एक्स वेरियंस ऑफ ए एक्स इज ए स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स ए स्क्वायर बाहर में सिमिलरली यहाँ पे स्क्यूनस ऑफ ए एक्स इज ए क्यूब ए क्यूब बाहर आ गया स्क्यूनेस ऑफ एक्स कॉटेड वही चीज़ हुआ यहाँ पे बट इन ऑर्डर टू वेरीफाई कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है स्प्रेड क्या है मुझे तो स्प्रेड से मतलब है ना सो इट बिकम्स डिफिकल्ट क्योंकि यूनिट्स आ जाते हैं तो so, यूनिट्स हटाने के लिए अच्छा वेरिएंस के लिए हम लोग डिविएशन निकाल लेते हैं मे बी वो सेम आ जाए लेवल पे बट यहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस द फॉर्मुला फॉर इज लिख लो स्क्यूनेस बाय स्क्यूनेस बाय सॉरी सिग्मा क्यूब या फिर ये आप लोग को डिफिकल्ट लगे अगर समझने में यू ऑल कैन राइट दिस एज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स का वन पॉइंट नहीं होल क्यूब या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्यूनेस ऑफ एक्स क्योंकि सिग्मा इज व्हाट उसका मैंने क्यूब लिखा था यहां पे विच इज राइटिंग एज एक्स का दिस इज इससे होगा क्या बताना स्क्यूनेस क्यूब में आता है मिलीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन करोगे तो क्या आएगा खाली मिलीमीटर mm, खाली सेंटीमीटर

स इज ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिवली आप लोग इसका निकाल सकते हो और जब निकालोगे देखोगे दोनों का आंसर सेम आ रहा है जीरो पॉइंट घर पे निकालना जीरो पॉइंट फोर जीरो एट आएगा दोनों का इंडिविजुअली वेरियंस निकालोगे और फिर सॉल्व करोगे ठीक है लेट्स डू इट टिल हियर कुछ नहीं अभी इजी है मोमेंट्स करना है वो कल करेंगे एंड वील स्टार्ट विद कंटिन्यूस वेरिएबल कल तुम लोग का है दूसरा वाला क्लास